हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट कवरेज लाए हैं आप लोगों के लिए ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारा सनावट से बलवाड़ा तक गेज परिवर्तन कार्य काफ़ी अच्छी गति से चल रहा है और इसी गेज परिवर्तन कार्य के तहत यहाँ पर ओंकारेश्वर रोड का भवन बनना स्टार्ट हो गया है, उसकी नींव डलना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, ये जो स्टेशन है ये नए रूप से बन रहा है यहाँ पर बिल्कुल नई तरीके से, क्योंकि जहाँ पर पुराना स्टेशन था वहाँ पर पर्याप्त जगह नहीं थी कि किसी बड़ी लाइन के स्टेशन को वहाँ पर बनाया जाए, तो उसके लिए इस स्टेशन को शिफ्ट करके नई जगह बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, ये जगह कहाँ पे है, ये लोकेशन कहाँ पे है? दोस्तों, जब हम सनावट से ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पर आते हैं पुराने वाले, तो जो रेलवे क्रॉसिंग आती है ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन के जस्ट पहले, इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे वाली, सॉरी नेशनल हाईवे वाली, तो उस रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट पहले ये रेलवे स्टेशन का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। पहले यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक हुआ करता था वो ज़मीनी स्तर से थोड़ा नीचे था, अब यहाँ पर हमारा नया ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये आपको सिविल वर्क कार्य दिख रहे होंगे, नींव डालने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर स्टेशन बिल्डिंग बना करेगी। और दोस्तों, ये है हमारा अलाइनमेंट की जगह, यहाँ से हमारा ट्रैक जो है जाएगा, गुजरेगा, और यहीं पर हमारा ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन का ट्रैक यहीं से गुजर के सनावत से ओंकारेश्वर होते हुए निकलेगा। दोस्तों, बात करें इस पूरे गेज परिवहन कार्य की, तो बलवाड़ा से सनावत तक काफ़ी अच्छी गति से कार्य चल रहा है, और मतलब अब ये नहीं बोल सकते कि कार्य स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे कार्य स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि आने वाले 2-1 साल में बलवाड़ा तक हमें ट्रैक देखने को पूरी तरीके से मिल जाएगा, मतलब खंडवा से बलवाड़ा तक हम बोल सकते हैं। फिर जो बलवाड़ा से महू तक का चरण है वो थोड़ा टाइम लेगा। दोस्तों, बात करें इस रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर 2 रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे और जो स्टेशन बिल्डिंग रहेगी वो भव्य ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के रूप में इस बिल्डिंग को रूप दिया जाएगा। और यहाँ पर टोटल 3 ट्रैक्स रहेंगे, 2 ट्रैक्स जो रहेंगे वो लूप ट्रैक रहेंगे और 1 जो रहेगी वो मेन लाइन रहेगी। दोस्तों, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करीब के दोनों जो स्टेशन है, जिसमें कि पहला है सनावत और दूसरा है ओंकारेश्वर रोड, सनावत जो स्टेशन बन चुका है वो ऑलरेडी एक मंदिर के रूप में उसने अपना रूप लिया है, और जो ये स्टेशन बनेगा ओंकार जी का, यहाँ पर भी इस स्टेशन को की बिल्डिंग को मंदिर का रूप दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन है हमारे सनावत से ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन के बीच की लोकेशन, यहीं से हमारा ट्रैक गुजरेगा। और ये जो स्टेशन है, जो ये एरिया है, सॉरी लोकेशन, यहाँ पर पहले काफ़ी घुमावदार कर्व थे हमारे सनावत से ओंकार जी के बीच में, अब बड़ी लाइन जब बनेगी तो ये कर्व को बहुत ही कम कर दिया जाएगा। ये देखिए, यहीं से हमारा अलाइनमेंट गुजरेगा रेलवे का। दोस्तों, बहुत ही कम दूरी पर 3 स्टेशन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पहला स्टेशन है सनावत, दूसरा स्टेशन है ओंकारेश्वर रोड और तीसरा स्टेशन रहेगा बड़वा। तीनों अपने अपने क्षेत्र में एक अलग वैल्यू रखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली जो भी गाड़ियाँ चलेंगी उन गाड़ियों की ये स्टेशन, तीनों स्टेशन पर हॉल्ट रहने वाला है, क्योंकि तीनों स्टेशनों का अपना अपना महत्व है। दोस्तों, बलवाड़ा की सीमा तक निमाड़ लगता है, तो अगर बलवाड़ा तक रेलवे ट्रैक बनता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो निमाड़ में जो पहले की रेल लाइन थी वो पूरी तरीके से बड़ी लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद जो चोरल का हिस्सा है वो चोरल जो है इंदौर ज़िले में आता है। तो जो हम ये बोल सकते हैं बलवाड़ा तक अगर ट्रैक बन गया तो कि निमाड़ के हिस्से में पूरी तरीके से ट्रैक डल चुका है। अब दोस्तों, ये आपको फिर से अलाइनमेंट हम दिखा रहे हैं, यहीं से होकर गुजरेगा हमारा रेलवे ट्रैक सनावत ओंकारेश्वर बड़वा बलवाड़ा वाला रेलवे ट्रैक, और किस तरीके से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है पर बहुत जल्द ये काम रफ्तार भी पकड़ेगा। तो यह थी आज की लेटेस्ट कवरेज। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा शुक्रिया हमारे OP पांडे जी का।